मुझे अपने घर में इधर उधर भगाया जा रहा है। Hey guys, good morning, क्या हालचाल, आशा करता हूँ सब एकदम जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई आज मैंने प्रण ले लिया है, बहुत हुआ ये लुक, अब थोड़ा सा चेंज करने से आगे। कैसे उंदर आंटी, क्या हालचाल, सब कूड़ा वगैरह आज कबाड़ी आ जाएंगे पक्का, मुझे पता है भाई साहब, तो ये सामान जाने वाला है। गुड मॉर्निंग कोट के लिए हम चलते हैं व्यास भाई के पास। व्यास भाई, एक बार मेरे को यार गुड मॉर्निंग कोट लेना है आपसे, फिर मैं जा रहा हूँ कोट में, तो मैं घसीटूंगा। गुड मॉर्निंग कोट, अरे कोट दे दो एक, मैं जा रहा हूँ। हेलो रियो, हेलो। अरे भाई साहब, ये कहाँ से चोरी करके लाए? चाल चाल मम्मी, कैसे हो मम्मी? आज आप ऑफिस नहीं जा पाए, क्या रीजन? ओए आपको कोई समस्या है क्या लाइफ में? मतलब कोई बंदा अपना कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी देर है? आज मेरे को एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, बिल्कुल तैयार हो गई थी, एकदम से मैं कुछ उठाने के लिए झुकी और मेरा एकदम से स्ट्रेन आ गया यहाँ पे। देखिए व्यास भाई, यहाँ मम्मी का फोन टूटा। व्यास भाई घर पे, मम्मी की कमर में मोच आ गई। देखिए क्या मतलब निकाले इस बात। व्यास भाई यहाँ आते पुलाव बनता है, व्यास भाई आते चिकन बिरयानी बनती है, व्यास भाई यहाँ आते किसी का व्लॉग बनता है। व्लॉग वैसे भी बनता है, बिरयानी मैं मान सकता हूँ आप पे डिपेंडेंट है, व्लॉग नहीं। मम्मी से भी अर्जेंट रिक्वेस्ट तो ये है कि जरा कबाड़ी वाला आ जाए। कबाड़ी वाला आ जाए जरा, तो थोड़ा सा किसी के लिए उसने बोला कि 25 रुपए लेगा, लेकिन ले जाएगा। किसी के फोन बज रहा है, कॉल कर रहा है। अच्छा मम्मी का ही है, ओ कबाड़ी वाला तू ही है। आप मैं तो रस्ते से जा रहा था। ये देखो मैं फिर बता देता हूँ, देखो इस टाइम पे अगर मैं बीबीसी झूठी खबर दूंगा तो उसको क्रेडिट लेना कहेंगे, तो मैं बता देता हूँ। इसने बहुत मेहनत करी है, मम्मी ने भी थोड़ी बहुत करी है जो करी है, व्यास भाई ने भी बहुत मेहनत करी है। मैंने कुछ खास मेहनत नहीं करी है, फिर मैं थोड़ा सा बिजी था काम धाम में। तो कौन से काम में था? कुछ काम क्या? इन लोगों ने पूरा घर का पूरा जितना भी कूड़ा करकट था सब निकाल दिया, और अब हम कबाड़ी को देने के लिए तैयार है। कबाड़ी की जरूरत आता होगा भाई साहब, का कूड़ा नहीं है उसके अंदर, पता नहीं कितनी चीज है। हाँ मतलब ये था ना कि वो पता नहीं था हमारी चीजें घर में एग्जिस्ट भी करती थी। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए यहाँ पर, अब क्योंकि चाय बनेगी और मैं इन लोगों के लिए बना। अगर इस बार सिलेंडर फटा आए चूल्हे को लगी आग, अब चाय बनेगी तो ऑब्वियसली मैं भी पीऊंगा यार, क्योंकि क्या है हम चाय के शौकीन। आज हम सामान वगैरह निकालते थे तो उसी में ये भी निकला है, तंदूर ग्रिल जो कि गैस पे चलता है। इसमें है अदरक, इलायची और काली मिर्च। गाइस चाय यहाँ पर, कुकिंग प्रो टिप टाइम, हमेशा चाय को एकदम लो फ्लेम पे बनाओ, उसको उसका जो चाय का एक्सट्रैक्ट है वो आने दो, जिसकी रेसिपी मैं 200 के सब्सक्राइबर्स पर ड्रॉप करूंगा। तो इफ यू वांट चाय की रेसिपी, हिट द सब्सक्राइब बटन। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, क्योंकि मुझे शौक ही बहुत कम चीजों का, जिनका है अच्छे से निभाता हूँ। कबाड़ी वाला आ गया, अरे मिरेकल मिरेकल, हां हां मिरेकल। मम्मी आ जाओ, कबाड़ी अंकल आ गए। भाई साहब इतना ये आपका इंतजार, आइए बड़ा पूरा एक साल हो गया आपको बुलाया। आइए लोहा 32, प्लास्टिक 18, दी 15, स्टील 45। भैया थोड़ा रेट तो और सही लगा दो, टेंडर वगैरह चेक कर लो प्रॉपर। एक आधा टेंडर अपने वाले, प्लास्टिक लिख लीजिएगा 3 किलो 400 ग्राम। सर लोग दिवाली पर ऐसे कदम उठाते हैं, हमने नए साल पर उठाया। लोहा तुलने का द मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, अराइव्ड। ये असली वो वाला नहीं है, छोटे वाले सामान, फिर भी लोहा तो लोहा हुआ है भाई साहब। 88 किलो का बंदा, इससे कितने मिलेंगे? ये है 8.5 किलो, ये बनी थोड़ी बात। भाई अब आपकी बात में मुझे वजन वजन असली लोहा उठने वाला, भैया उठा दी, मदद चाहिए तो बता दो। टच है पीछे पीछे से, टच है 27 किलो। भाई मुबारक हो, मुबारक 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 हो भैया, मुबारक। 50 रुपए का बिकती है, बहुत भारी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, डिपार्टमेंट कैलकुलेशन, जहाँ मैथ आ जाता है मैं अपने हाथ में मामला लेता ही नहीं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ पार्ट 2 है, चल रहा है। वैसे पहले वैल्यू बताई जाए, 1300 रुपए का लो है अपना, 1300 रुपए का लो नहीं, ऐसे 41 kg लोहा, 2.5 किलो बोतल, नहीं क्या 41 किलो लोहा अपना भाई, 7 किलो अपना प्लास्टिक है, 16 किलो रद्दी थी, 3 किलो गत्ता था, अंदाजन तो अंदाजन हमारे 1800 रुपए बनते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें बिल्डअप भी तो देना था, गैस कीजिए क्या नंबर है उसका। भाई मोस्टली जो सामान सारा था वो चला गया, थोड़ा बहुत जो रह गया है कबाड़ वो हम कल कूड़े वाले भाई साहब आएंगे उनको दे देंगे। व्यास भाई के जाने का समय हो चला है, चलिए व्यास भाई।
गुड वर्क. ओके अम्मी, थैंक यू ओके अम्मी, टेक केयर. यहीं रहते हैं, मिलते हैं. ये मेरी नोटबुक है. हाँ, आपका नोटबुक रह गया था सरफेस भाई. ये नोटबुक रह गई थी. लीजिए. रम्मा का मान जाना छोरी मर वावा की का मौत का सामान ले रहा. आज एक्चुअली मैं जिम नहीं ना जा पाया तो उसका कंटेंट भी निकाल रहा. संडे भाई छुट्टी होती है. नहीं नहीं जाओ ना. जिम ही बात है, कैसे जाऊँ मम्मी. मेरी पूरी मम्मी वो माते तू कितनी अच्छी तू कितनी बोली तालाबाजी. परेशान कर रहे हो तुम इधर. क्या कर रहे हो? और आज तो भैया काफी काम हो गया वैसे. कितना टाइम हो गया आपको? इधर बोलने देगा मेरे को 2 मिनट. कितना आपको हो गए होंगे? आएगा 2-3 घंटे तो हो गए होंगे कम से कम, है ना? काम तो है भैया, मेहनत का काम है आपका. बढ़िया. तो मैंने देखा आपका मोबाइल नंबर मेरे को दे देना, तो अगर किसी को भी रद्दी का कबाड़ का जो भी काम होगा अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. किसी को चाहिए हो किसी आपको फोन करें. है क्या जी? देखो, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए. भाई मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है आज. और मतलब जब मैं बहुत छोटा होता था, लोग मासिमपुर में नॉर्थ ईस्ट में, मैं बहुत छोटा था, मैं 4-5 साल का रहूंगा, तो मेरे को एक सीडी मेरे को दी थी पापा ने लाकर. डीवीडी थी वो, और वो मुझे मिली आज कई सालों बाद. मतलब बीच बीच में दिखती रहती है, बट आज कई सालों बाद मिली है. जब मैं सामान इधर उधर ढूंढ रहा था, मतलब देख रहा था ड्रॉर्स में क्या क्या रखा हुआ है. दोस्तों, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, रामायण श्री राम कथा हिंदी में डब्ड मूवी है. इतनी शानदार मूवी शायद ही कभी इतिहास में बनी हो. जापान और इंडिया ने कोलैबोरेशन में इस मूवी को बनाया था, जहां तक मुझे पता है. क्या ही मूवी थी, क्या गाने थे. श्री रघुवर की वानर सेना से तू बंद जननी मैं राम दूत हनुमान. मतलब मम्मी मेरे को बताती है, कनिष बहुत छोटा होता था, मैं 4-5 साल का था, तो मम्मी चीज गोद में रखती थी. जब भी मैं मूवी देखता था, मैं कोई लकड़ी होती थी मेरे पास, लेकर जय श्री राम बोल के कूदता था बेड से. यार देख के बड़ा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरा. आई थिंक रामायण महाभारत ये सब मैंने बहुत देखा है बचपन में, बहुत पढ़ा है मैंने. जितना मतलब ज्यादा मैं ग्रंथ तो मैं इतना नहीं पढ़ पाया, पर जो बुक्स आती थी, स्टोरी बुक्स हो गई, कुछ कुछ किस्से होते थे इन एपिक्स के, जो जिनकी बुक्स आती थी वो सब पढ़ा हुआ मैंने. एंड आई थिंक इनने बहुत ज्यादा मोल्ड किया मेरे को एज अ पर्सन. मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है. ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज एंड द मेमोरीज दीज मूवीज हैव गिवन. तो भाई, अब गुड नाइट मैसेज और सोशल मैसेज, दो मैसेज रहते हैं आपके. सोशल मैसेज मैं पहले दे देता हूँ. तुम लोग लाइक एक बार कर सकते हो, सब्सक्राइब एक बार कर सकते हो, मगर कॉमेंट की कोई सीमा नहीं होती, शेयर की कोई सीमा नहीं होती. तो जय महाकाल का आने दो. गुड नाइट मैसेज की रिसर्च के लिए मैं इधर आया अपने कमरे. बीते पल वापस ला नहीं सकते, सूखे फूल वापस खिला नहीं सकते. कभी कभी लगता है कि आप हमें भूल गए, पर ये दिल कहता है आप हमें भुला नहीं सकते. तो गाइस, अपना अपना ध्यान रखो, अपने घर में मौज करो, ऐश करो, और आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.